जोड़ने का शौक रखते हैं, वो गिरने का खौफ नहीं रखते। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टेस्ट 10 का पार्ट ए। पहला प्रश्न, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी वन बी कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल जिले जोधपुर और बाड़मेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू, नागौर और सीकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक भी कृषि जलवायु प्रदेश है वन बी, उसमें कौन कौन से जिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। यानी वन बी में कौन कौन से जिले आएंगे, हनुमानगढ़ और गंगानगर है ना, वो वन बी में आएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो एक सी है। कौन सा है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश एक सी, वन सी है वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। एग्जाम में बहुत बार आता है ये प्रश्न। और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है फोर बी, फोर बी है वो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, फोर बी सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। अगले प्रश्न में चलते हैं, देश की कुल गायों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, यानी टोटल गायें देश में उसका कितना, कितनी प्रतिशत गायें राजस्थान में है, 12.47%, 14%, 7.24% या 10.60%। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.24%। यानी देश में अगर 100 गायें हैं तो उसमें से 7.24% गायें कहाँ पे है, 7.24% गायें राजस्थान में है। कितनी, 7.24% गायें। ये मान के चल सकते हैं कि 7.25% गायें है ना टोटल गायों की पूरे देश में, वो हमारे राजस्थान में। ठीक है, तो अगर संख्या की बात करें राजस्थान में कुल गाय कितनी है, तो राजस्थान में कुल गायों की संख्या है 1,39,37,630। कितनी, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, 139 लाख या 1,39,00,000 गायें राजस्थान में है। ठीक है, और अगर गायों की पॉपुलेशन की बात करें उस हिसाब से देखें तो राजस्थान की पूरे भारतवर्ष में 6वें नंबर की रैंक है। कौन सी रैंक है, गायों के मामले में 6th नंबर की रैंक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का सही युग्म क्या है, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता किन जिलों में है, कोटा और दौसा में, कोटा और जयपुर में, जयपुर और धौलपुर में, या झुंझुनू और नागौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटा और जयपुर। किन जिलों में सर्वाधिक साक्षरता है, तो कोटा और जयपुर वो जिले हैं, सबसे ज़्यादा कोटा में साक्षरता है, उसके बाद जयपुर में। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा तो देखो कोटा में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जयपुर। अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो सबसे कम है जालौर में, और उसके बाद में कहाँ हो जाएगी, सिरोही में, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं, राजस्थान में पलास के वन पाए जाते हैं, यानी राजस्थान में जो पलास के वन है ना वो कहाँ पे है, अलवर और अजमेर में है, सिरोही और उदयपुर में है, पाली और राजसमंद में है, या इन सभी क्षेत्रों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, यानी अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और राजसमंद, इस एरिया में पलास के वन राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, अलवर में, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और राजसमंद जिलों में। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है हमें, यानी असत्य कथन कौन सा, ये आइडेंटिफाई करना है। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो बिल्कुल सही है, अरावली का विस्तार ये अपना राजस्थान हो गया, तो अरावली का विस्तार इस तरह से तो है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो गया ना। राजस्थान में जो बालू का स्तूप है उनको स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में इनको धोरे या धरियन कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 12 पश्चिमी जिलों में है, ठीक है, यहाँ पे अरावली और इसके पश्चिम में जो 12 जिले हैं वहाँ पे थार के मरुस्थल का विस्तार है, बिल्कुल सही है भी। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेशों की सर्वोच्च चोटी संतूर है, तो ये इसका गलत कथन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मतलब ये मान के चलो कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी संतूर नहीं है, गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर, इसको राजस्थान कर लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, गंभीर नदी किस नदी की सहायक नदी है, गंभीर नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, मेज की, जवाई की, यमुना की, या काली सिंध की। तो गंभीर नदी है ना वो किस नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। गंभीर नदी किस नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की। गंभीर नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब की गई, HMT कहते हैं शॉर्ट में जिसे, है ना, उसका कारखाना कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना अजमेर में 1967 में की गई, जयपुर में 1968 में की गई, उदयपुर में 1967 में, जोधपुर में 1968 में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अजमेर में 1967 में, है ना, 1967 में। कहने का मतलब क्या हो गया, 1967 में
एचएमटी की स्थापना राजस्थान में की गई, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ना, और कहाँ पे करी गई, अजमेर में करी गई, ठीक है, याद रह जाएगा। 1967 एचएमटी अजमेर, ठीक, 67 एचएमटी अजमेर, ये याद रखना है हमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं, म्यांमार से सीमा साझा करता है, यानी इनमें से कौन सा प्रदेश है या कौन सा राज्य है भारत का जो म्यांमार से सीमा है वो साझा करता है, सिक्किम, बंगाल, बिहार या नागालैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम, बंगाल, बिहार या नागालैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो देखो, जो म्यांमार है उनसे जो चार पूर्वोत्तर के राज्य है ना वो सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से, एक तो ऊपर से देखते हैं अरुणाचल, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, है ना, ये चारों राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं, म्यांमार के साथ, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अरुण नाग मणि मिजो, कैसे याद रखेंगे, अरुण नाग मणि मिजो, ये चार राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पड़ता है, अलवर में, बाड़मेर में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पड़ता है, तो ये बाड़मेर जिले में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर जिले में पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, तो उच्चावस्था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं, मानसून और चक्रवाती हवाएं यह भी करती है, समुद्र से दूरी यह भी करता है, लेकिन भिन्न जलवायु ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है कि ये कोई प्रभावित करने वाली कोई चीज़ है। उच्चावच, मानसून और चक्रवाती हवाएं और समुद्र से दूरी ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में होते हैं, लेकिन भिन्न जलवायु ये तो प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भिन्न जलवायु। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी भारत का क्षेत्रफल है ना वो दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 1.8%, 2.4%, 2.8% या 3.2%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2.4%, कितना, 2.4%। दुनिया का पूरी अगर 100 क्षेत्रफल है तो भारत का कितना हिस्सा है, 2.4, है ना, लेकिन देखिए हम दुनिया के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा ले रखे हैं, 2.4%, लेकिन अगर जनसंख्या के भार को देखें तो हम दुनिया के कितनी प्रतिशत जनसंख्या के भार को उठा रहे हैं, 17.7% जनसंख्या के भार को भारत देश वहन कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व की 17.5% से भी ज़्यादा, यानी 17.7% जनसंख्या भारत में है, वहीं अगर क्षेत्रफल के तौर पे बात करें तो भारत विश्व के 2.4% क्षेत्रफल को लिए हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इनमें से बताना, तेरेनसांगबाई, अल्दाई पर्वत, जुगारियन पर्वत या स्टालिन पर्वत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टालिन पर्वत रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा पर्वत, स्टालिन पर्वत, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पीली नदी चाइना की नदी है, को किस नदी का उपनाम है, यानी किस अन्य नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो हांगहो नदी, मिकांग नदी, दजला नदी या गंगा नदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हांगहो नदी, जो हांगहो नदी है ना चाइना की उसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी को, हांगहो नदी चाइना की उसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस देश को नहरों का देश के रूप में जाना जाता है, है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दक्षिण सूडान, तो जो अपना पड़ोसी है नापाक पड़ोसी पाकिस्तान, उसे नहरों के देश के रूप में जाना जाता है ना, और उसकी 1992 की जो स्टोरी रिपीट करना चाहता था ना, वो इंग्लैंड ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया है, और भारतवर्ष के जो लोग हैं उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं ठंडक जरूर मिली है ना, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जनगणना 2011 की थीम क्या थी, मेरी जनगणना मेरा कर्तव्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, मेरी जनगणना मेरा अधिकार या जनगणना जनकल्याण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनगणना 2011 की थीम क्या थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्या थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जनगणना 2011 की थीम थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, 7817, 7820, 6817 या 6820, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो नंदा देवी पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 यानी 7817 मीटर ऊंची है नंदा देवी पर्वत चोटी है, ठीक है, कितनी, 7817, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो दीफू, यांगयाब दर्रा, बुमला दर्रा, लिपलेक दर्रा, तो देखो दीफू दर्रा, यांगयाब दर्रा और बुमला दर्रा ये तो अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन लिपलेक दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये अपने यूके में है, यूके बोले तो अपना प्यारा उत्तराखंड, है ना, कहाँ पे, यूके में, तो यूके में तीन दर्रे कौन कौन से, एक तो नीति दर्रा, एक माना दर्रा और एक लिपुलेख दर्रा,
ये कहाँ पे, अपने उत्तराखंड में, ठीक है। और दीफू दर्रा, यांगयाब दर्रा और बुमला दर्रा, ये कहाँ पे, अपने अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। दीफू, यांगयाब और बुमला, ये तो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और नीति माना और लिपुलेख कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ये देखो आ गया, उत्तराखंड के दर्रे हैं ना, वो नीति माना और लिपुलेख दर्रे हैं। भारत का जूट बंदरगाह कौन सा है, तो हल्दिया बंदरगाह है, विशाखापत्तनम है, कोची है या मंगलोर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हल्दिया बंदरगाह है ना, वो भारत का जूट बंदरगाह है। कौन सा है, भारत का जूट बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बेरन द्वीप वाला ज्वालामुखी है ना, ये तो पता ही है आपको कि जो बेरन द्वीप का ज्वालामुखी है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक बार देख लेते हैं, देखो बेरन आइलैंड कहाँ पे है, ये देखो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो मेप है, मानचित्र, वो हमारे सामने आ चुका है। तो ये देखो, ये ऊपर नारकुंडम द्वीप दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे जो ऊपरी ऊपर है वो नारकुंडम द्वीप हो गया, और यहाँ पे अपना नॉर्थ अंडमान हो गया, ठीक है। और इसके बाद में ये मिडिल अंडमान हो गया, है ना। मिडिल अंडमान के अगर हम राइट साइड में देखें, है ना, तो यहाँ पे बेरन आइलैंड है, और यहाँ पे जो बेरन ज्वालामुखी ये यहीं पे है, यानी मिडिल अंडमान के राइट साइड के अंदर बेरन आइलैंड है, और वहाँ पे बेरन ज्वालामुखी है, और उसके नीचे साउथ अंडमान आ जाता है ना। और साउथ अंडमान में ये अपना पोर्ट ब्लेयर हो गया, कैपिटल है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वो आ गया। और फिर अपने ये कार निकोबार, लिटिल अंडमान, नीचे नीचे लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार आ गया, ठीक है। और उसके बाद लिटिल निकोबार, और ठीक है, ये बाद में लास्ट में इंडिया का जो लोएस्ट पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में, वो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। नीचे नीचे देखो, ये देखो, दिख पा रहा होगा आपको, ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं देता, यानी इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति साहब को त्यागपत्र नहीं देते, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति साहब को देते हैं, राज्यपाल भी राष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र, है ना, उपराष्ट्रपति साहब भी राष्ट्रपति साहब को ही त्यागपत्र देते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष नहीं देते, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष, यानी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति साहब को देते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष नहीं देते। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो सबको पता है बाबा साहब अम्बेडकर है ना हमारे, उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे, और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है ना। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिहार का गांधी और भारत का आजाद शत्रु इन नामों से किसे जाना जाता है, यानी किसे बिहार का गांधी कहते हैं और भारत का आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का आजाद शत्रु और बिहार का गांधी कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद सही है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है, तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि यानी मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को, तो इसे अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो इसको इस प्रकार से समझते हैं, थोड़ा सा प्यार से समझ लेते हैं इसको। जो राष्ट्रपति शासन होता है सामान्यतः पहले 2 माह के लिए लगाया जाता है, कितने माह के लिए, 2 माह के लिए लगाया जाता है, फिर इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। कैसे, जो संसद है उसके दोनों सदन अलग अलग इस बात की सहमति दे देते हैं, तो ठीक है, ऐसा 2 बार किया जा सकता है, तो इस प्रकार कितना हो गया, 1 साल हो गया। अब अगर 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है तो इस परिस्थिति में 2 शर्तें आवश्यक होती हैं। क्या क्या शर्तें होती है वो, एक तो उस समय भारत में कोई राष्ट्रीय आपात लग रहा हो, या तो पूरे भारत में लग रखा है या फिर किसी क्षेत्र विशेष में लग रखा है, और दूसरा ये कि अगर चुनाव आयोग कहे कि इस समय पर्टिकुलर राज्य में चुनाव करवाने संभव है ही नहीं, तब ये अधिकतम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि होती है वो कितनी होती है, 3 साल होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, तो राजेंद्र प्रसाद, द्रौपदी मुर्मू, जाकिर हुसैन, प्रतिभा पाटिल। देखो एक बार प्रश्न को फिर से समझा देता हूँ कि कौन से राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने उससे पहले उनको भारत रत्न मिल चुका था इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन साहब है ना, उनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही
भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। तो क्या जाकिर हुसैन साहब ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति है या और भी कोई राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित हो चुके थे? तो और भी हमारे राष्ट्रपति हैं, एक तो अपने राधाकृष्ण साहब है ना, वो 1954 में उनको भारत रत्न दे दिया गया था। वही जाकिर हुसैन साहब को 1965 में दिया गया, 1965 में दिया गया। और हमारे जो मिसाइल मैन साहब APJ अब्दुल कलाम साहब, उनको 1993 में भारत रत्न दे दिया गया था। और इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल इनको भारत रत्न मिलने के बाद से शुरू हुआ था, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री साहब होते हैं ना अपने, वो राष्ट्रीय एकता परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री साहब, PM साहब है ना, राष्ट्रीय एकता परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब है, वो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष है, ठीक है। BR अंबेडकर साहब की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा साहब अंबेडकर है, उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? नारायण घाट, वीरभूमि, चित्रा भूमि या किसान घाट? तो इसका आंसर सबको पता है कि चित्रा भूमि है, वो BR अंबेडकर साहब की समाधि स्थल को जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कौन कौन से वो प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया था? जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, VP सिंह या मनमोहन सिंह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया था, ठीक है। मोरारजी देसाई ऑप्शन B इसका सही आंसर हो गया। द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट के लेखक कौन है? यानी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? आर्थर बेटली साहब है, माइनर विनर है, जीनस ई है, एंडरसन है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन A, आर्थर एफ बेटली है, वो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है। कौन है? आर्थर एफ बेटली, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आर्थर एफ बेटली, बेटली है वो प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट के लेखक है। अगला प्रश्न, इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत दिया था कब दिया था? 1995 में, 83 में, 1996 में या 1991 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र कुमार गुजराल साहब ने गुजराल सिद्धांत कब दिया? 1996 में दिया। कब दिया? 1996 में दिया। कब दिया? इंद्र कुमार गुजराल साहब ने गुजराल सिद्धांत 96 में, ठीक है। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कब हुआ और कहाँ पे हुआ? गुटनिरपेक्ष देश है उनका पहला सम्मेलन कब हुआ और कहाँ पे हुआ? 1970 में नेपाल में, 1961 बेलग्रेड में, 1970 न्यूयॉर्क में या 1961 जापान में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1961 में हुआ था और ये बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ? बेलग्रेड में हुआ। अगले प्रश्न में चलते हैं, डिक्सन प्रस्ताव कब लाया गया? जो डिक्सन प्रस्ताव है वो कब लाया गया था? 1950 में, 51 में, 52 में, 53 में? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 1950, डिक्सन प्रस्ताव 50 में, ठीक है, डिक्सन 50, ठीक है। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की स्थिति नहीं थी? यानी संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था और वो संभागीय व्यवस्था से हीन पीरियड था, ये कह सकते हैं। तो 1970 से 90, 62 से 87, 66 से 87 या फिर 65 से 89? तो इसका आंसर 1962 से 1987। तो सुकाड़िया साहब ने जो हटा दिया था संभागीय व्यवस्था को, और जो हरदेव जोशी साहब ने 1987 में फिर से लागू किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो इसका आंसर बी हो गया, ऑप्शन B। कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? यानी कौन सा जिला मुख्यालय जिसकी तहसील है वो जिले के नाम से नहीं है? भिलवाड़ा, चित्तौड़, बाड़मेर या फिर राजसमंद? तो राजसमंद है, उसकी तहसील राजसमंद नाम से नहीं है, वो कांकरोली नाम से शायद, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो इसका आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, तो बिल्कुल सत्य है, ये तो सही है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है, नहीं 826 है। इसका स्थलीय सीमा 6920 है, नहीं 6920 है। इसका क्षेत्रफल 3,329 है, नहीं 342,239 है ना, 342,239 वर्ग किलोमीटर, ना कि 342,329 है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हमें सत्य है वो आइडेंटिफाई करना था, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है। डूंगला और कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? तो डूंगला और कपासन है वो किस जिले की तहसील है? बांसवाड़ा की, प्रतापगढ़ की, चित्तौड़ की या उदयपुर की? तो डूंगला और कपासन है वो चित्तौड़ जिले की तहसीलें हैं ना, डूंगला और कपासन चित्तौड़ जिले की तहसीलें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? यानी
अगर जनसंख्या के प्रतिशत की वो भी देखें तो भी वो ही उतना ही रखता लगभग, और अगर क्षेत्रफल के भाग को भी बात करें तो वो उतना ही प्रतिशत रखता है। तो वो कौन सा जिला है? तो वो सिरोही जिला है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा जिला कौन सा है? सिरोही जिला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार, जो पिछले प्रश्न में आया था हमारे, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण तो हो गया 826 और पूर्व से पश्चिम क्या हो गया, 869। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे इस प्रकार अगर विस्तार देखना हो राजस्थान का, जैसे इसको राजस्थान की शेप ही दे देते हैं एक बार, ये मान लो। तो ये तो हो गया कितना, 826, और ये हो गया 869, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, यानी इनमें से सबसे पुराना भौगोलिक अंचल कौन सा है? गग्गर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश या थार मरुस्थल अंचल? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो अरावली प्रदेश है ना वो सबसे प्राचीन भौगोलिक अंचल है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, अरावली प्रदेश, ठीक है, क्योंकि ये अवशिष्ट पर्वत है और विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में, प्राचीनतम संरचनाओं में इसका नाम आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान को वीसी मिश्रा साहब ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? राजस्थान को वीसी मिश्रा साहब ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? 2, 4, 5 या 7? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, वीसी मिश्रा साहब ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा राजस्थान को? तो वीसी मिश्रा साहब ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं, ढोर, रोयडा, खेजड़ी या धरियन? तो इसे क्या कहते हैं, धोरे या धरियन कहते हैं। जो रेत के टीले होते हैं जो गतिशील होते हैं उन्हें धोरे या धरियन कहा जाता है राजस्थान की स्थानीय भाषा में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकल जिससे संबंधित है वो क्या है? तो आकल वुड फॉसिल पार्क है ना जैसलमेर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कास्ट जीवाश्म उद्यान है। आकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में कास्ट जीवाश्म उद्यान है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? यानी थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करने वाले भौतिक स्वरूप का नाम क्या है? तो इसके बीच में सबको पता है कि इधर मरुस्थल, बाद में अरावली पर्वतमाला आएगी और बाद में चंबल की घाटी आएगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो अरावली पर्वतमाला है वो थार के मरुस्थल को चंबल की घाटी से अलग करती है, ठीक है ना। थार के मरुस्थल को चंबल की घाटी से कौन अलग करती है? ऑब्वियसली बात है, अरावली करेगी। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान को मुख्य न्यायाधीश बने नए संभाजी शिवाजी शिंदे साहब के जाने के बाद में, कौन बने? पंकज मित्तल साहब बने, पंकज शर्मा बने, पंकज खन्ना बने, पंकज मल्होत्रा बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंकज मित्तल साहब है ना, वो संभाजी शिवाजी शिंदे साहब के जाने के बाद वो राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है ना। वो सिर्फ 42 डेज रहे थे संभाजी शिवाजी शिंदे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था है ना, उसमें राजस्थान की रैंक कौन सी है, 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, 8वीं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का, उसमें राजस्थान की रैंक पूछी है। तो राजस्थान कौन से नंबर पे, 8th नंबर पे, ठीक है ना। किस नंबर पे, 8th नंबर पे राजस्थान, किसमें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में। कितने नंबर पे राजस्थान, 8वें नंबर पे। उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी, 19 दिसंबर 2021, 22 मार्च 2021, 5 अगस्त 2021 या 5 अगस्त 2022? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, है ना। कब हुई थी उड़ान योजना की शुरुआत, 19 दिसंबर 2021, 19 दिसंबर 2021, है ना, उड़ान योजना। उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी, 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी, 19 दिसंबर 2021 को। राजस्थान का पहला संत म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया, वह इसमें कितने संतों की प्रतिमाएं हैं? राजस्थान का जो पहला संत म्यूजियम है वो कहाँ पे स्थापित किया गया और इसमें कितने संतों की प्रतिमाएं हैं? उदयपुर 65 संतों की, जैसलमेर 60 संतों की, उदयपुर 60 संतों की, जोधपुर 65 संतों की। तो राजस्थान का पहला संत म्यूजियम उदयपुर में स्थापित किया गया है और उसमें 65 संतों की प्रतिमाएं लगाई जाएगी। कितने संतों की, 65 संतों की प्रतिमाएं लगाई जाएगी। राजस्थान का पहला संत म्यूजियम कहाँ पे है, उदयपुर में है,
और कितने संतों की प्रतिमाएं? तो 65 संतों की प्रतिमाएं। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो राजस्थान सरकार, एक तो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, एक राजस्थान सरकार का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो कौन सा जिला शामिल नहीं है? अलवर, बीकानेर, चूरू और चित्तौड़। तो राजस्थान सरकार वाली जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें अलवर है, बीकानेर है, चित्तौड़ भी है, लेकिन चूरू नहीं है, है ना। तो जो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना है उसमें कौन कौन से जिले हैं? तो उसमें तो काजू है, आपको पता ही है, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। तो ये क्या काजू की तरह से याद रख सकते हैं आप इसको। अब उसके बाद में गहलोत साहब ने बोले यार अपना जोधपुर कैसे पीछे रह गया, तो उन्होंने राजस्थान सरकार की योजना लाई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जैसे ही, तो उसमें शामिल किया जोधपुर को, भरतपुर को, भीलवाड़ा को, अलवर को, बीकानेर को और चित्तौड़ को, है ना। जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर, बीकानेर और चित्तौड़, है ना, और केंद्र सरकार वाले में काजू यानी कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया और ये कौन सा एडिशन था? तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की बात नहीं हो रही है। तो ये राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, ये जोधपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये जोधपुर में हुआ था और ये इसका 8th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन। अब जयपुर में हुआ था राजस्थान फिल्म फेस्टिवल और वो 10th एडिशन था, और ये जयपुर वाले एडिशन से अलग है, जोधपुर वाला, उसमें इंटरनेशनल लगा हुआ, ध्यान रखना, क्योंकि जोधपुर में ज़्यादातर काम हो रहे हैं इंटरनेशनल, क्योंकि वहाँ से आते हैं हमारे CM साहब, है ना। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर में 8वां एडिशन, और जयपुर में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 10वां एडिशन और जयपुर में। ठीक है, जनार्दन सिंह गहलोत का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी या खो खो। तो जनार्दन सिंह गहलोत है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। किस खेल से? कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है, ठीक है, राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयोगी जिले कौन से हैं? यानी कहाँ पे राजस्थान में सागवान का वृक्षारोपण किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, वो जिले हैं जहाँ पे सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयोगी जिले हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पेपर 10 का पार्ट ए था। कल हम इसका पार्ट बी अपलोड कर देंगे। ठीक है, पढ़ते रहें, बने रहें।